हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट सैम्पल पेपर ऑफ़ फिजिक्स व्हिच इज़ फिफ्थ सैम्पल पेपर सो इसके पहले बेटा हम लोग फोर सैंपल पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं अगर आप लोगों ने फोर सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं सो so प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें पहले ही जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे आप लोगों को लिंक्स मिल जाएंगे सो बेटा फोर सैम्पल पेपर्स हैं जो कि अलग अलग स्कूल्स के टीचर्स ने अलग अलग सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड किए हैं सो so, जो फर्स्ट सेकेंड है वहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑफिशियली जो पंजाब बोर्ड की तरफ से इशू किए गए हैं सैम्पल पेपर्स सो काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस जो पेपर हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहे हैं सेम इन सेंस कि इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर आ रहा है सो so, अगर आप लोग सैंपल पेपर अच्छे तरीके से करके जाओगे एटलीस्ट आप लोगों के पेपर काफ़ी अच्छे हो जाएंगे सो so, ट्राई करो कि सैम्पल पेपर ज़रूर करके जाओ और सैम्पल पेपर्स को आप लोगों ने याद करके नहीं जाना समझ के जाना है बिकॉज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन आपके कहीं से भी आएँ कैसे भी आएँ आप लोग ईजीली हैंडल कर सकते हो सो so, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना है मैक्सिमम शेयर करना है आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो आप लोगों की जो इस ये पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी सो so, चलिए जी फर्स्ट हम लोग वन मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सेवेंटी मार्क्स का पेपर आएगा थ्री आर्ट्स का पेपर होगा सो so, फर्स्ट है डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा फार्मूला क्या है ई इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आप लोगों को जब पी डी एफ मिले तो उस पर सॉल्व होगा ये चीजें ठीक है फोर्स किसके इक्वल है एम एल टी माइनस टू और क्यू किसके इक्वल है ए टी के इक्वल अगर आप इसे सॉल्व करोगे सो वी गेट एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन सो ध्यान से देखिए कोई भी फॉर्मूला नहीं मिल रहा सो so, इसका मतलब कोई आंसर है ही नहीं सो नन ऑफ दीज ठीक है जी नेक्स्ट आ जाओ एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज प्रोपोर्शनल टू सो वी किसके इक्वल है वन ओवर फोर पाई अपल नॉट पी डिवाइडेड बाई आर स्क्योर ठीक है ये आंसर आएगा सो वी किसके इक्वल है आर स्क्योर के इक्वल सो वन ओवर आर स्क्योर सो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर नेक्स्ट वन इज वन किलो आर इज इक्वल टू अच्छा जो लास्ट हमने फोर्थ सैम्पल पेपर किया था वहां पे आया था इज वन किलो आर वन किलो आर किसके यूनिट्स हैं ठीक है अनर्जी के यूनिट्स हैं सो इस क्वेश्चन में आया है कि वन किलो वॉट आर किसके इक्वल होगा सो आंसर इज थर्टी सिक्स इंटू टेन रेज टू दी पावर फाइव जूल सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डू नॉट डिपेंड्स अपॉन हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज़ आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी अगर वी डी का आप लोग रिलेशन निकालोगे ये सारी टर्म्स इसके पैर में ले जाओ सो आई डिवाइडेड बाय एन ई ए मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कौन कौन चीज़ों पर डिपेंड करेगी करंट के ऊपर डिपेंड करेगी करंट मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मतलब इसके ऊपर तो डिपेंड करेगी नेक्स्ट नंबर एन मतलब नंबर ऑफ री इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करेगी नेक्स्ट ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगी किस पे डिपेंड नहीं कर रही लेंथ के ऊपर सो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इनक्रीजेज विद किस चीज़ के साथ रिज आर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो सकती है आर इज़ इक्व टू रो एल ओवर ए अगर लेंथ इंक्रीज करोगे देन आर इंक्रीज़ हो जाएगा एरिया डिक्रीज करोगे देन आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा इसका मतलब दो आंसर आ रहे हैं इंक्रीज इन लेंथ और डिक्रीज इन एरिया अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे देन आपकी रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट है ए भी करेक्ट बी भी करेक्ट सी भी करेक्ट

वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करेगी सो इंडिपेंडेंट है फील्ड के ऊपर ठीक है नेक्स्ट इज व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ओके ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन आओ अ चार्ज एथ क्वेश्चन है अ चार्ज क्यू इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन किन किस चीज़ पे चीज़ पे ये डिपेंड नहीं करेगी हमें बेटा फॉर्मूला पता है एफ इजिक्वस टू क्यू वी बी थीटा या फिर आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा होगा इसको V क्रॉस V वेक्टर ठीक है जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट रिमूव करोगे साइन थीटा आ जाएगा मतलब चार्ज पे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा सो so, चार्ज पे भी डिपेंड करेगा वेलोसिटी के ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड बी के ऊपर डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड नहीं कर रहा मास के ऊपर सो मास इज द राइट आंसर नेक्स्ट है नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो एनी क्लोज सर्फेस इज ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा जीरो होगा बिकॉज देयर इज मोनोपोल नेक्स्ट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एच एंड मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज एम मतलब एम और एच गिवन है द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू आर बुक्स हमने क्या पढ़ा है यू इज इक्व टू एम बी वी कॉस थीटा एम की जगह पे तो एम है बी की जगह पे उन्होंने लिखा है एच इसका मतलब इसे सॉल्व करो थीटा इज इक्व टू वन एटी वन एटी वट इज कॉज वन एटी कॉज वन एटी इज इक्व टू माइनस वन बाहर वाला जो इसका होगा दिस इज माइनस एम बी कॉस वन एटी माइनस वन माइनस के साथ माइनस कैंसिल सो फाइनली वी गेट एम बी सो बी की जगह पे उन्होंने लिखा है एच लेना है सो so, आ गया एम एच सो एम एच आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर टू पैरेलल वायर्स हैं जिस पे करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा देन वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट ईच अदर नेक्स्ट इज ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच वर्कस ओनली ऑन ए सी वोल्टेज दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको सारे सैंपल पेपर्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा नंबर ऑफ मैक्सवेल इन वन वेबर इज वन वेबर में कितने नंबर ऑफ मैक्सवेल्स होंगे सो so, यहाँ पे छोटा सा एरर है कि वन मैक्सवेल में बेटा टेन टू दावर एट वेबर आंसर है लेकिन उन्होंने पूछा कि वन वेबर के अंदर कितने नंबर ऑफ मैक्सवेल्स हैं सो so, वन वेबर यहीं पे रहेगा टेंडरिस टू दी पावर एट दूसरी तरफ लेके जाओगे तो माइनस एट आ रहा है लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी माइनस एट वाली ऑप्शन नहीं है सो so, ए इसके अकॉर्डिंगली ए ऑप्शन होगा अदरवाइज अगर टेंडरिस टू दी पावर एट और टेंट टू दावर माइनस एट दोनों आए तो माइनस एट इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट आ जाओ फॉर हाई फ्रिक्वेंसी अगर हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो कैपेसिटर कैसा होगा लेस रेजिस्टेंस या लेस रिएक्टेंस इसका आंसर आएगा कैसे आएगा ये मैंने सॉल्व किया साइड पे एक्स सी की वैल्यू किसके इक्वल है वन ओवर ओमेगा सी ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल है वन ओवर टू पाई म्यू सी जैसे ही आपने फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करा एक्स क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इच अदर दैट इज वाई लेस रेजिट रेजिस्टेंस आ जाएगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर जैसे ही आपने कंडक्टर की जो टेम्परेचर इंक्रीज करा रजिस्टेंस को क्या होगा रजिस्टेंस ऑल्स अगर इंक्रीज करेगा इट्स रेजिस्टेंस इनक्रीज बिकॉज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा सो so, यहाँ पर भी मैंने रिलेशन लिख दिया आर इज़ इन वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर टाउ नेक्स्ट इज फेस डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट वोल्टेज और करंट इन केस ऑफ अ रेजिस्टर रेजिस्टर का आप लोगों ने फेस डिफरेंस किया होगा कि ये आर की वैल्यू है और यही जो सॉरी वी की वैल्यू है यही जो आई की वैल्यू बोथ आर इन द सेम फेज अगर सेम होगा तो एंगल बिटवीन देम इज़ जीरो डिग्री सो आंसर आ गया जीरो डिग्री नेक्स्ट है इन एन एलेक्ट्रो मैग्नेट वेव इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव आप लोगों ने एक ग्राफ ये डायग्राम की होगी इस तरीके से ठीक है ऐसे गई और सेकेंड लाइन किसी और कलर की बनाते हैं और ऐसे गई ठीक है ऐसे ही आप लोगों ने किया ऐसे ठीक है सो so, दोनों क्या है एक दूसरे के प्रपैंडुलर टू इच अदर है दोनों क्या है एक दूसरे के प्रपैंडुलर बट इन द सेम फेज कौन एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा कौन है मैग्नेटिक फील्ड सो so, बोथ आर इन सेम फेज बट प्रपैंडुलर टू ईच अदर सो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर नेक्स्ट आ जाओ द इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेवस डू नॉट ट्रांसपोर्ट क्यों ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगी क्योंकि पहली बात बैठे इसमें एनर्जी भी है मोमेंटम भी है सो so चार्ज नहीं है डू नॉट ट्रांसपोर्ट क्या कौन सी चीज़ को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता चार्ज को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह तक नेक्स्ट है द वेवलेंथ ऑफ द वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी म्यू आपको गिवन है टू दी पावर फोर्टीन सिंपल फॉर्मूला लगाएं लैमडा टू सी ओवर म्यू सी की वैल्यू पुट करें म्यू की वैल्यू पुट करें आंसर आ जाएगा थ्री इन टू टेंस टू दी पावर माइनस सिक्स लेकिन ऑप्शन के बीच में कोई भी ऐसा आंसर नहीं है सो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर क्लियर हो गया जी सो नेक्स्ट आ जाओ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन पार्टिकल विल मूव पार्टिकल कैसे मूव करेगा हमें पता बेटा फोर्स किसके इक्वल है क्यू ई फो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स के किसके इक्वल है मास इनटू टू एक्सरेशन यहाँ से एक्सरेशन का फॉर्मूला निकाल लो अगर ई e यूनिफॉर्म होगा तो एक्सरेशन शुड बी कॉन्स्टेंट सो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट आ जाओ ऑप्शन नंबर ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन है अ बार मैग्नेट इज कैप्टन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस सो कैसा एक्सपीरियंस करेगा ये है बेटा यहाँ पे ध्यान दो इन्होंने बोला है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लास्ट सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन आया था और एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था कि मैम मुझे आंसर गलत लग रहा है अब ध्यान से सुनो बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है मतलब एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है जी यहाँ पे जब आप लोग एक डाईपोल को रखोगे इसका जो फोर्स है वो इस तरीके तरफ जाएगा दैट इज़ क्यू ई और इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में दैट इज माइनस क्यू ई अगर आपने फोर्स को ऐड करा एफ को ऐड करा दिस इज दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स दिस इज़ क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई जैसे ही माइनस हटाओगे दिस इज क्यू ई माइनस क्यू ई बोथ आर कैंसल आउट विद ईच अदर सो फोर्स आ गया आपका जीरो लेकिन टॉर्क कोई ना कोई एंगल तो यहाँ पे बन ही रहा है तो टॉर्क तो होगा लेकिन फोर्स नहीं होगा इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा ओनली इन दैट केस फोर्स भी होगा और टॉर्क भी होगा ये चीजें आप लोग अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छे से नोट डाउन कर लो कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो बेटा आप लोगों का फोर्स इज ऑलवेज ज़ीरो बट टॉर्क की कोई ना कोई वैल्यू होगी मतलब कि नॉन ज़ीरो होगा लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है दोनों की कोई ना कोई वैल्यू होगी क्लियर हो गया सो so, इसके अकॉर्डिंगली टॉर्क तो होगा बट नेट फोर्स जीरो होगा। मीटर को सीरीज में कनेक्ट करना है बट इन हाई रेजिस्टेंस ठीक है पी मतलब अंपेयर को पैरलर में कनेक्ट करना है बट लो रेजिस्टेंस ठीक है यहां पे वोल्ट मीटर पूछा है वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट करना है सीरीज वाला एक ये है और ये एक ये है बट हाई रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस ये रहा सो so सीरीज वाले नहीं हो सकते पैरेलल वाले नेक्स्ट आ जाओ एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऑलवेज 90 डिग्री ही रहेगा 90 ही है हम लोगों ने इसे प्रूव भी किया है इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर नेक्स्ट आ जाओ ट्रू फॉल्स के ऊपर अ स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली जो एक स्टेशनरी चार्ज रेस्ट के ऊपर अगर कोई चार्ज पड़ा है तो उसके आस पास ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी जब तक ये मूव नहीं करेगा मूव करने पर ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो स्टेशनरी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी मतलब कि ट्रू ऑप्शन है नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी तो बिल्कुल स्केलर है नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज ज़ीरो अमीटर की रेजिस्टेंस जीरो है वोल्ट मीटर की इन्फानाइट सो फॉल्स स्टेटमेंट है नेक्स्ट इज अ वेबर इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स तो बिल्कुल करेक्ट है माइक्रोवेव हैज द लोएस्ट वेव लेंथ सो लोएस्ट वेवलेंथ है माइक्रोवेव की जबकि ये गलत दिया है कैसे गलत दिया है हम लोगों ने एक ट्रिक सीखी है राम मे आई विजिट योर एक्स गर्लफ्रेंड मैंने आप लोगों को ट्रिक मतलब कि रेस को याद करने का एक ट्रिक बताया राम मे आई विजिट यूर एक्स गर्लफ्रेंड आर मतलब रेडियो वेव एम मतलब माइक्रोवेव आई मतलब इन्फ्रारेड वी मतलब विजिबल यू मतलब यू वी रेज एक्स मतलब एक्स रेज जी मतलब गामा रेज और रेड की जो वेव लेंथ है वो सबसे ज्यादा है सबसे ज्यादा सबसे कम वेव लेंथ किसकी है गामा रेज की इन्होंने बोला कि माइक्रोवेव की सबसे लोएस्ट है जबकि ग माइक्रो की तो सबसे लोएस्ट नहीं है सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट क्लियर हो गया जी नेक्स्ट आ जाइए हम करेंगे नुमेरिकल सो सेकेंड नुमेरिकल है आप लोगों का द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जीरो पॉइंट वन मीटर एट अ पोटेंशियल ऑफ चार्ज नाइन्टी वोल्ट वट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब की हमें क्यू की वैल्यू पता करनी है वी गिवन है नाइंटी वोल्ट और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जीरो पॉइंट वन मतलब डिस्टेंस गिवन है जीरो पॉइंट वन मीटर वी नो द फॉर्मूला वी इज इक्व टू वन ओवर फोर पाई साल नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर सो क्यू हमें पता करना है बेटा वी की वैल्यू कितनी है नाइन्टी इज इक्व टू इसकी वैल्यू कितनी है नाइन इंटू टेन रिज टू दी पावर नाइन मल्टीप्लाई बाई क्यू और आर की वैल्यू आपको गिवन है जीरो पॉइंट वन जैसे ही डेसीमल हटाओगे ऊपर आ जाएगा टेन सो so कटिंग कर दो ये टेन ये वाला टेन इस टेन के साथ कैंसिल आउट हो गया सो so क्यू का आंसर कितना आ गया क्यू इज इक्व टू टेन इज टू दावर माइनस नाइन कूलम सो दिस इज द फाइनल आंसर ठीक है जी इसका आंसर आप लोग इस तरीके से चेक कर सकते हो ठीक है जी सो so मैंने सॉल्व किया हुआ है आप लोग प्लीज इसकी स्क्रीन ले लीजिए क्योंकि पी में ये नोमरिकल्स आपको नहीं मिलेंगे मैंने पी में इसे ऐड नहीं करा सो so प्लीज आप लोग इसे एक बार देख लीजिए अदरवाइज़ आई विल ट्राई बट पी बनाने में मैं थोड़ी सी लेज़ी हूँ सो so, आप लोग प्लीज़ अपनी खुद की पी बना लीजिए क्योंकि बेटा मेरे पास थोड़ा से टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से इवन uh, वीडियोस बनाने में दिक्कत आ रही है मतलब टाइम की वजह से पी बनाने में तो बहुत बड़ी दिक्कत है ठीक है so, सो प्लीज़ अपने लिए थोड़ी सी मेहनत की कीजिए आप लोग खुद पी बनाकर ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं आपकी थोड़ी सी मेहनत बाकी बच्चों के भी काम आ सकती है तो चलिए नेक्स्ट टू करते हैं नेक्स्ट देखो टू प्रोड्यूस टेनरेज टू दी पावर थ्री जूल ऑफ हीट इन टेन सेकेंड्स हाउ मच वोल्टेज शुड बी अप्लाई टू अंड्रेड ओम रेजिस्टेंस कितनी वोल्टेज अप्लाई की जाएगी हंड्रेड ओम रेजिस्टेंस के ऊपर देखो आप लोगों को H गिवन है T गिवन है H गिवन है T और R गिवन है सो फॉर्मूला क्या है एच इज इक्वस टू आई स्केयर आर टी सो आई हमें कहीं पे भी गिवन गिवन नहीं है सो आई वी इज इक्व टू आई आर और आई किसकी इक्वल आएगा वी ओवर आर सो वी स्केयर ओवर आर अगर वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एच इज इक्व टू वी स्केयर टी ओवर आर लेकिन हमें वोल्टेज पता करनी है सो एच आर डिवाइडेड बाई टी दूसरी तरफ वी स्क्यर है स्केयर हटा दो बन गया आपका अंडर रूट और एच कितना गिवन है टेनरेज टू दी पावर थ्री यहाँ पे बेटा छोटी सी मिस्टेक है एच आर ठीक है आर हमें हंड्रेड गिवन है सो so, जीरो के साथ जीरो कैंसिल सो टेनरेज टू दी पावर फोर फोर को कैसे बाहर निकालना है टेन स्केयर की पावर स्क्र अंडर रूट स्केयर के साथ अंडर रूट कैंसिल सो टेन रेज टू दी पावर टू मतलब कि हंड्रेड वोल्ट इज द फाइनल आंसर क्लियर हो गया जी सो so, सिंपल सा सर है सो प्लीज प्लीज स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका भी सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट करंट आई है और साउथ से लेके नॉर्थ डायरेक्शन तक व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट टू मीटर वेस्ट टू दायर सो स्ट्रेट कंडक्टर वाला बेटा पहले सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है सो बी इज इक्व टू म्यू नॉट ओवर फोर पाई टू आई ओवर आर सो म्यू नॉट ओवर फोर पाई की वैल्यू टेन इज टू दावर माइनस सेवन आई की वैल्यू फोर्टी आर की वैल्यू टू टू पॉइंट जीरो मतलब सिंपल टू टू के साथ टू कैंसिल सो फोर्टी इन टू टेंस टू दावर माइनस सेवन या फोर इन टू माइनस सिक्स दाइनस इज द फाइनल आंसर ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये थे हमारे बेटा टू मार्क्स के क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे थ्री मार्क्स के क्वेश्चन थ्री मार्क्स के नोमेरिकल्स में फर्स्ट नुमेरिकल विच इज इंपॉर्टेंट नुमेरिकल टू रेजिस्टेंस आर इन द रेशो वन रेशो फोर इफ दीज आर कनेक्टेड इन पैरल अगर पैरल कनेक्ट करोगे तो क्या होगा अगर टोटल रेजिस्टेंस बिकम्स सिक्सटीन ओम फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस मतलब आर वन आर टू की वैल्यू हमें पता करनी क्योंकि रेशियो में दे रखा है ना आर वन ओवर आर टू कितना दे रखा है वन ओवर आर नाउ इट्स योर wish. आप आर वन को एक्स कंसिडर करना चाहते हो तो एक्स कंसिडर कर लो अगर आर कंसिडर करना चाहते हो तो आर आर वन की वैल्यू कितनी आएगी वन आर और आर टू की वैल्यू फोर आर पुट कर दी आर पी की वैल्यू हमें गिवन है सिक्सटीन क्योंकि पैरल पैर का फॉर्मूला क्या है वन ओवर आर पी इज इक्व टू वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू नाउ पुट द वैल्यूज और गेट द आंसर बाकी तो सारा बेटे कैलकुलेशन ही है ठीक है जी सो so लास्ट में आप लोग सॉल्व करके देखोगे आर वन का आंसर कितना आ गया ट्वेंटी ओम सो आर टू की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे फोर मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी इज इक्व टू एटी एटी ओम सो ये आपका सिंपल आंसर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन एक प्रोटोन है एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी गिवन है बी गिवन है वेलोसिटी गिवन है वेलोसिटी एंगल थीटा गिवन है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्रोटोन ड्यू टू दिस फील्ड सो सिंपल मैग्नीट्यूड हमें पता करना है एफ इजिक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा ठीक है जी क्यू की वैल्यू स्टैंडर्ड है टू पावर जस्ट वैल्यूज़ पुट करें और गेट द आंसर सो बेटा कैलकुलेशन मैंने कर दी है आप लोग खुद भी ट्राई करके देखो क्यू की वैल्यून पॉइंट माइनस नाइनटीन विलोसिटी टेनरेज टू पावर फाइव मैग्नेटिक फील्ड फाइव इंटू टू माइनस टू साइन थर्ड इज इक्वल टू वन ओवर टू बाकी इसको सॉल्व करके आ गया एट एट पॉइंट जीरो सो कटिंग करके आ गया 4.0 पॉइंट जीरो इंटू टेंट टू दावर माइनस सिक्सटीन न्यूटन सो दिस इज द फाइनल आंसर ठीक है जी बहुत ज्यादा सिंपल सा नुमैरिकल आ गया थ्री मार्क्स में लेकिन इतना ज़्यादा सिंपल नुमेरिकल एग्जाम में आएगा और मुझे तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ठीक so है सो ये टू मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है थ्री मार्क्स में तो इसको ज़्यादा ही सिंपल आ गया सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सो दिस इज आर द लास्ट नुमैरिकल ऑफ दिस वीडियो अदरवाइज़ बाकी तो बेटा आप लोगों को क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने देख ही लिया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पेपर है कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो भी रिपीटेड क्वेश्चंस है कैपेसिटर जो पैरेलल प्लेट है डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये हर क्वेश्चन में आ रहा है एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन हर क्वेश्चन में आ रहा है हर क्वेश्चन पेपर में आ रहा है और गॉस थ्योरम की बेटा तीन ही एप्लीकेशन है तीन की तीन एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन्स है सो so, चलिए लास्ट हमारा एक इन अमेरिकर रह गया इसमें पूछा है हाउ मच करंट इज ड्रॉन कितना करंट ड्रॉन होगा इन द प्राइमरी कोयल मतलब आईपी पता करना है वेन स्टेप टू 200 हंड्रेड वोल्ट टू ट्वेंटी वोल्ट तक मतलब कि ई e, पी से लेके ई e, एस की वैल्यू आप लोगों को गिवन है और रेजिस्टेंस आर गिवन है ठीक है जी सो सिंपल आईपी हमें पता करना है सो so ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करके दिया है सो so आप लोग ट्राई करें खुद भी एक बार ट्राई करें सो ई पी ओवर ई एस इज इक्व आई पी ओवर आई एस इज इक्स टू ई एस ओवर ई पी ये हमने ट्रांसफार्मर में से फॉर्मूला निकाला है यहाँ से बेटा आई पी निकाल लो आई पी ये दूसरी तरफ ले जाओ सिंपल ई एस की वैल्यू ट्वेंटी गिवन है ई पी की वैल्यू टू हंड्रेड गिवन है लेकिन आई एस की वैल्यू नहीं गिवन सो यहाँ पे सॉल्व कर दिया वी इज इक्व टू आई आर या फिर आई इज इक्व टू वी ओवर आर सो वी की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है ट्वेंटी और आर की वैल्यू कितनी गिवन है हंड्रेड सो सॉल्व करके देख लो वन ओवर फाइव आ गया वन ओवर फाइव मतलब वन ओवर फाइव हाँ जी वन ओवर फाइव आ गया इसका मतलब कितना आएगा फाइव को डिवाइड करके देख लो ज़ीरो फाइव टू जार टेन ठीक है ज़ीरो पॉइंट टू ज़ीरो सो जीरो पॉइंट टू जीरो मतलब थोड़ी सी uh, मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई जीरो आएगा यहाँ पे यहाँ पे भी जीरो आएगा सो ये जीरो जीरो के साथ कैंसिल ये वाली जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल कटिंग करके आ गया हंड्रेड यहाँ पे आ गया फिफ्टी सो वन ओवर फिफ्टी को जब आप डिवाइड करोगे तो जीरो पॉइंट टू फाइव आएगा ठीक है इसे करेक्ट कर लेना जीरो पॉइंट टू फाइव सो दिस इज द फाइनल आंसर क्लियर हो गया जी सो ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था सो so, बेटा ये हमारा फिफ्थ सैंपल पेपर था इसके अलावा अगर इन सैंपल पेपर पांचों सैंपल पेपर्स के अलावा आपके किसी भी स्कूल के टीचर ने आपके साथ कोई भी और सैम्पल पेपर शेयर किया हो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर सकते हो या मुझे पर्सनली ही टेलीग्राम चैनल पे आ, सैंपल पेपर सेंड कर सकते हो उसके सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा अगर इसके अलावा इस सैंपल पेपर्स के अलावा किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो या कोई नोमैरिकल ना सॉल्व हुआ हो कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड आप लोगों की प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो और इस वीडियो को जितना ज़्यादा मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं शेयर करिए चैनल को जितना सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए अपने जूनियर सीनियर जितने भी हैं प्लीज़ उनके साथ चैनल को शेयर करें और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मैक्सिमम शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए थैंक यू सो मच